तो श्रीलंका के खिलाफ मिली एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस में जीत के बाद अब नेक्स्ट असाइनमेंट है वर्ल्ड नंबर वन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। और आपको बता दें ये टूर्नामेंट इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा दिया तो हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि हम इस समय ओडीआई क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर वन हो जाएंगे। और फिर टी20 में तो ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर वन है, ओडीआई में भी हो जाएंगे तो कम से कम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कह सकते हैं कि हमारी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ में टीम इंडिया जाएगी। जब कल उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब नया जो आपका असाइनमेंट है दैट इज बिग वन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था उनका कहना था कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की टीम हरा कर आई है और वो इस समय वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन पर है। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि टीम कॉम्बिनेशन को लेकर हम आपस में चर्चा करेंगे और उन्होंने कहा कि पिच को देखने के बाद हम सही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि हो सकता है, क्योंकि यह खबर ऑलरेडी स्पोर्ट्स टॉक पर हमने आपके लिए बता दी है कि भारतीय टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है हैदराबाद में। अगर टीम मैनेजमेंट के कुछ लोग, हालांकि आज ऑफ डे है, ट्रेवल डे है, तो कल जैसी विकेट को देखेंगे रोहित शर्मा और आपके राहुल द्रविड़, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे कि क्या सही कॉम्बिनेशन होगा हमारे लिए, किन प्लेयर्स के साथ में जाएं, क्या परफेक्ट प्लेइंग 11 होगी, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। रोहित शर्मा ने साफ साफ तौर पर कहा है कि पहले विकेट देखेंगे, उसके बाद ही हम प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि कल तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि अश्रेयस अय्यर की जगह पर स्काई को खेलने का मौका मिल जाए, क्योंकि केएल राहुल नहीं है तो फिर ईशान का खेलना प्रोबेबली अगर आप देखें तो लगता है कि फॉर श्योर उनको खेलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या श्रेयस अय्यर की जगह पर स्काई को टीम में शामिल किया जाएगा या फिर स्काई अभी बाहर ही रहेंगे, श्रेयस अय्यर ही खेलते हुए नजर आएंगे, कुलदीप यादव को और रन दिया जाएगा या युजवेंद्र चहल को बुलाया जाएगा, अक्षर पटेल नहीं है तो ऐसे में क्या आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ में जाएंगे। ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर की लगातार चर्चा होगी। एंड कप्तान ने साफ तौर पर कहा कि पहले हम विकेट देखेंगे, उसके बाद बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम भी इंतजार करते हैं। और कल भारतीय टीम का अभ्यास है तो किस तरीके से टीम इंडिया ने अभ्यास किया, किन किन प्लेयर्स को मौका दिया, वो सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी स्पोर्ट्स टॉक पर। उसी के बेस पर कल हम चर्चा भी करेंगे कि क्या टीम इंडिया का बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है। अब बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।